हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी RBC चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं कि मदरसा खैरुल इस्लाम के दुकानदारों ने मदरसा कमेटी के साथ साथ BSP लीडर शेर अली पर भी 2000 रुपये मांगने का यानी रंगदारी मांगने का आवेदन देकर हुसैनाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी संख्या मैं आपको बता दूं कि 304/2022 और उस पर संज्ञान लेते हुए इस पर FIR दर्ज की गई है। रंगदारी के संबंधित आरोप लगाया है मदरसा के खैरुल इस्लाम के जो दुकानदार हैं उन लोगों में कौन कौन लोग हैं मैं ये भी आपको वाजे करता चलूं कि सबसे पहला नाम अल्पसंख्यक के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज आलम का है और दूसरा नाम आपको बता दूं कि निज़ाम शेख यानी प्रोफेसर निज़ाम शेख साहब का है और तीसरा नाम इसके मिराजुद्दीन साहब का है और चौथा नाम शाहिद रसूल साहब का है और पाँचवा नाम वकील अहमद का है और छठा नाम रोशन अली का है और सातवां नाम अशरफ खान साहब का। इन लोगों ने आरोप लगाया है मदरसा खैरुल इस्लाम कमेटी पर कि 2000 रुपये रंगदारी हमसे वसूलने के नाम पर मांगी जा रही है जो हम लोग देने से कतरा रहे हैं। इस पर हमको जान से मारने की भी धमकी दी गई और इस पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई। कई दिनों से ये मुद्दा चल रहा है हुसैनाबाद के RBC चैनल पर और हर पेज को हम आप कोशिश कर रहे हैं, हर पहलू को आपके समक्ष रखें ताकि लोगों को हकीकत से वाकफियत होती रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुकानदारों ने मदरसा कमेटी पर जो आरोप लगाया है क्या वो सही है और जो BSP लीडर की बात इस पर आई है, BSP लीडर भी उसमें शामिल है, क्या वो सही है? प्राथमिकी तो यही कहती है कि 7 लोगों पर आरोप लगाया गया। संदर्भ में थाना ने नोटिस भी किया, धारा 143, 323, 441, 386, 504, 506 और 427 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं। आप सभी माननीय अनुमंडल दंडाधिकारी प्लामू के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अपना जमानत करा लें या थाना में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, यह नोटिस में दर्ज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आरोप लगाया गया है मदरसा खैरुल इस्लाम के वर्तमान कमेटी पर, मदरसा खैरुल इस्लाम के जिन लोगों पर लगाया गया है वो भी आरोप मैं आपको बता दूं कि पहला नाम शेर अली पर है और दूसरा नाम फिरोज आलम उर्फ चंगे इस्लामगंज निवासी और तीसरा नाम मोहम्मद अली उर्फ डबली पित्रा नसरुद्दीन, यानी यूं कह लें कि लोजपा के नगर अध्यक्ष भी हैं, सह सेक्रेटरी मदरसा के भी हैं। चौथा नाम यूसुफ अंसारी साहब का है और पांचवा नाम रियाज खान उर्फ पन्नू खान साहब का है और छठा नाम मोहम्मद अशफाक खान उर्फ सद्दाम पिता फकीर कादरी साहब का है और सुहेल सिद्दीकी का भी सातवां नाम आता है। ये जो प्राथमिकी में अभियुक्त बनाए गए हैं जिन पर आरोप लगाया गया है रंगदारी मांगने का, वो ये लोग। इसमें पहला नाम जो शेर अली बसपा लीडर हैं ये कमेटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं लेकिन 6 लोग कमेटी के मेंबर हैं आधिकारिक तौर पर। 7 तारीख को जो FIR इन लोगों ने किया है उसके बाद 7 ही तारीख की रात्रि 8:30 बजे की घटना में बता दूं ये मदरसा कमेटी के सदस्य हैं जिन पर हमला हुआ। इसके साथ साथ सदर और सेक्रेटरी भी घायल हुए जो आपके समक्ष लाइव RBC चैनल पेज पर भी आप देखे होंगे, पूर्व में हमने दिखाया था इस घटना को। फिर इसके बाद 8 तारीख को मदरसा कमेटी ने FIR किया जिसमें 7 लोग अभियुक्त बने जिसका विवरण मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो आरोप लगाया गया क्या वो सही है? मैं उन्हीं के आवेदन से आपको एक पहलू और भी रख रहा हूँ और इसी आवेदन में दुकानदार लिखते हैं कि मैं मदरसा के सचिव सहनसा आलम को किराया देते आ रहे हैं, ये उनका आरोप पत्र में संलिप्त है यानी ये दर्शाया गया। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के समक्ष एक सवाल, शायद आपको याद होगा सन 2000 में एक कमेटी गठित की गई थी जो मदरसा खैरुल इस्लाम में इदारे के लोग भी आए थे और उसका सन 2000 में SDPO विजय कुमार के नेतृत्व में यानी उनकी अध्यक्षता में प्रशासनिक उपस्थिति में जब एक कमेटी का गठन होता है और एक कमेटी बर्खास्त की जाती है
उसका भंग किया जाता है कमेटी को और दूसरी कमेटी गठन में आती है, वो अपने कार्यकाल को 2 साल चलाती है, उसके बाद जो है तीसरी कमेटी का गठन होता है, तीसरी कमेटी आती है, अपना पदभार लेती है, पदभार लेने के बाद अपने कार्यकाल को स्टार्ट करती है, लोगों से अपने अनुरूप जो चीज़ें मुहैया नहीं थी उनको वो चीज़ की जानकारी लेती है, उसमें आवेदन देती है कि हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है और हम भूतपूर्व जो विजय कुमार के टाइम में कमेटी को भंग कर दिया गया था उस कमेटी को हम मतलब किराया देते आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा आता है कि ये दुकानदार कितने ईमानदार हैं कि भूतपूर्व को किराया दे रहे हैं और वर्तमान जब मांग रहा है, जो कमेटी अभी वर्तमान में जो चल रही है वो भाड़ा मांग रही है, तो कह रहे हैं कि भूतपूर्व को देते हैं, पूर्व को भी नहीं देते हैं। प्रशासनिक उपस्थिति में जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सारी चीज़ें फना हो गई थी, तो फिर ये सवाल कहाँ से आता है? ये ईमानदारी है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा दुकानदारों को आरोप लगाना चाहिए? ये फैसला आप कीजिए, या जो कमेटी कर रही है अपना पदभार ग्रहण करके क्या है या गलत कर रही है, फैसला कीजिए, आकलन कीजिए। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर आप RBC चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेहतर खबरों के लिए RBC लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ साथ ट्विटर हैंडल पर भी आप RBC चैनल को फॉलो कर सकते हैं।